जी अब आ रही है उन लोगों को आवाज? यार भाई थोड़ी सी स्लो आ रही है आवाज। हाँ थोड़ी स्लो आ रही है। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ये क्या आ रही है आवाज? क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक। अच्छा जी, पहले तो बहुत माजरत, कल की क्लास के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी, तो पहले हम इंट्रोड कर लेते हैं। मेरा नाम इमरोज है, मैं एफसीएम में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, प्रोफेशनली जो हूँ मैं सीएफओ हूँ अरेबियन सी कंट्री क्लब में। इसके अलावा मैंने एफसीएम में एसीसीए फाइनलिस्ट और उसके अलावा से मैं कभी फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ से। अगर कोर्ट्स आउटलाइन के बारे में हम देखें तो कोर्ट्स आउटलाइन में आपका 10% लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 65% जो है वो मर्केंटाइल लॉ है, और उसके बाद फिर आपका 25% जो है वो पेपरा रूल है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज से लिंक करता है। ठीक है, अगर कोर्स स्टार्ट करने का देखें तो आप लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान सबसे पहला पार्ट है, लेकिन क्योंकि मैं वहां से स्टार्ट नहीं करता, उसकी वजह यह है कि एक तो लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इससे पहले आपने किसी भी किस्म का कोई लॉ पढ़ा नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात, वो काफी थोड़ा बोरिंग एरिया है, तो वो मजीद अभी आप लोगों को लॉ पढ़ने की जब आदत हो जाएगी तो फिर वहां पे वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप उसको बाद में पढ़ लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने मर्केंटाइल लॉ के पार्ट से, जो कोर्स का सबसे बड़ा एरिया है, और अगर कहूँ इंटरेस्टिंग है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि सबसे इंटरेस्टिंग एरिया भी यही है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अंदर सेल ऑफ गुड एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करें तो इसमें 230 सेक्शन होते हैं टोटल। ठीक है, 230 सेक्शन में अगर हम देखें तो दो तरह के प्रोविजन है इसमें, एक तो जनरल प्रोविजन है और उसके बाद स्पेशल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन आपके सेक्शन 1 से 75 तक है, उसके बाद आपके स्पेशल प्रोविजन आते हैं। स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये होता है कि एक तो जनरल प्रोविजन है कि हर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे वो तमाम के तमाम प्रोविजन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्पेशल प्रोविजन की। स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जनरल प्रोविजन तो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको एक अलग से कुछ सेक्शन अलॉट किए हुए हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, स्पेशल प्रोविजंस की हम बात करें तो उसमें इंडेमनिटी गारंटी आता है, बेलमेंट एंड प्लेज आता है, और इसके बाद एजेंसी आता है। इंडेमनिटी एंड गारंटी के सेक्शन है 124 से 147 तक, फिर आपके बेलमेंट एंड प्लेज है 148 से 181 तक, फिर आपका एजेंसी है 182 से 230 तक। ठीक है, अब अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसमें बहुत सी जगह पे आपको सेक्शन मिसिंग मिलेंगे। अच्छा, वो मिसिंग होने की वजह ये नहीं है कि वो लिखे नहीं गए, उसकी वजह ये है कि बहुत पहले वो सेक्शन जो थे वो पार्टनरशिप एक्ट वगैरह का वगैरह सब इसी का पार्ट थे, लेकिन बाद में क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े और काफी ज्यादा केसेस वगैरह वहां से लिंक आने लगे, तो यही वजह है कि फिर उसको अलग कर दिया गया और उनका अलग से एक्ट बनाया गया। जब अलग से एक्ट बनाया गया तो ना उसमें कुछ एडिशनल लिखा, उसमें बल्कि एडिशनल लिखा गया, बल्कि उसके साथ साथ यहां से भी सेक्शंस को उठा लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब जो भी पढ़ाई के हवाले से मैं बता दूं क्लास के हवाले से, कि क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये याद रखिएगा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो एक तो क्यू एंड ए सेक्शन में आइकन में जाके उसको टाइप कर दे, मैं उसको आंसर कर दूंगा। और ये भी याद रखिएगा कि उसको उसी वक्त पूछ लें जिस वक्त वो समझ में ना आए, कैरी नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैरी करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपके साथ साथ सेमेस्टर के एंड तक चली जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर लॉ के हवाले से मैं बात करूं तो ये एक आसान पेपर भी आप कह सकते हैं और एक मुश्किल पेपर भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रोज पढ़ाया गया, अगर उसी को आप बार 15-20 मिनट घर पे पढ़ लेंगे तो वो आपका पक्का हो जाएगा, तो कोई मसले की बात नहीं होगी। सेमेस्टर के एंड तक एक दफा मैं बुक पढ़ा चुका हूँ, एक दफा आप पढ़ चुके होंगे, तो दो दफा तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगर मुश्किल की, तो मुश्किल यही है कि अगर आपने उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो
सेमेस्टर के एंड में वो 400-500 हेडिंग्स आपके पास जमा हो जाएंगी। जब 400-500 हेडिंग जमा हो जाएंगी तो फिर मेरे ख्याल से आप पेपर देने नहीं जाइएगा, आप एक काम करिएगा सो लिएगा, उस दिन आपकी नींद वगैरह पूरी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो फायदा नहीं होगा, पेपर उसका फेल हो जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी होता है लॉ के लिए कि उसको आप साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा भी नहीं है और फिर बहुत ज्यादा ड्राई सब्जेक्ट भी है, तो ये वजह भी होती है। ठीक है, तो हम बाकायदा आगाज करते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले तो आ जाएं आप लॉ पे कि लॉ क्या है। अच्छा, बिजनेस लॉ का हूं, मर्केंटाइल लॉ का हूं, ट्रेड लॉ का हूं, एक ही बात होती है। ठीक है, अब अगर मैं बिजनेस लॉ कहता हूं इसे, या मर्केंटाइल लॉ कहता हूं, या ट्रेड लॉ कहता हूं, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिजनेस आप लोग पढ़कर आए हैं, सेमेस्टर वन में आपने एफएफए पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हर वो चीज जो, हर वो हरकत जो नफा कमाने की गर्ज से की जाए, मुनाफा कमाने की गर्ज से की जाए, वो बिजनेस होती है। ठीक है, बिजनेस हमेशा पैसे कमाने के लिए होता है, तो जो भी चीज आप पैसे कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, वो आपका बिजनेस है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये होता है आपका बिजनेस। अब बात कर लेते हैं लॉ के, लॉ क्या है। देखें, लॉ मीन्स रूल्स मेड बाय अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी और फॉर करेक्ट कंडक्ट ऑफ लाइफ। लॉ के मायने क्या होगा कि रूल्स जो कि अथॉरिटी बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, कि प्रॉपर रेगुलेशन हो सके कम्युनिटी का और लोग अपनी जिंदगी सही तरह से गुजार सकें। अच्छा, अथॉरिटी की बात करूं तो हमारे उसमें गवर्नमेंट ही होती है। ठीक है, अब देखें, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं। दरअकीकत ट्रैफिक लॉ इसलिए बनाया गया ना कि आप सही तरह से ड्राइव कर सकें और हादसा से बच सकें। यही वजह है कि मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ बनाया गया कि जो भी आपके कारोबारी मामलात हैं उनकी कंप्लायंस पूरी तरह से हो सके और उनमें जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह आए वो रिजॉल्व इजीली हो सके। ठीक है, तो यही वजह है कि उनको हमने लॉ को फॉर्म किया। ठीक है, कि ट्रैफिक वगैरह भी इसी तरह से हमने बिजनेस लॉ बनाया कि बिजनेस लॉ क्या है कि भाई जो भी कारोबारी मामला आते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रन हो सके। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, बुक से मैं आप लोगों को रेफर भी कर दूंगा बुक, और ये आपको मैं मटेरियल शेयर भी करा दूंगा। हम क्लास के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे मैं ये मटेरियल शेयर करा दूंगा आपको, तो चाहे तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, चाहे तो बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो मैं रिकमेंड आपको कर दूंगा। तो लॉ समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हर वो चीज जो नफा कमाने की गर्ज से की जाती है वो बिजनेस होती है। लॉ क्या होता है, ऐसे रूल्स होते हैं जो अथॉरिटी बनाती है ताकि लोग अपनी कम्युनिटी, अपनी जिंदगी वगैरह प्रॉपर कंडक्ट, प्रॉपर तरीके से गुजार सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि ट्रैफिक लॉ क्यों बनाया जाता है, कि ट्रैफिक प्रॉपर चले, वो अलग बात है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बनाया इसीलिए जाता है। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस लॉ भी इसीलिए बनाया गया कि जो भी आपके ट्रेड मैटर्स हैं, तिजारती मामलात हैं, वो तमाम के तमाम सही तरह से चल सके। अच्छा, अब जब हम लॉ की बात करेंगे तो एक चीज और याद रखिएगा, जब भी स्टूडेंट लॉ पढ़ते हैं तो वो अपने आप को वकील की तरह कंसिडर करने लगते हैं और वो लॉयर की नजर से पढ़ने लगते हैं। आपने लॉयर की नजर से नहीं पढ़ना होता, आपने लॉ पढ़ना है जज की नजर से। ठीक है, कि लॉ इस बारे में क्या कहता है। तो आपने बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ पढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं पढ़ना कि इस वक्त क्या हो रहा है। हमने ये देखना है कि अगर ऐसा होता है तो उस पर डिसीजन क्या आता है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर देखें आप ये देखने जाएंगे तो वैसे तो खून करना जुर्म है, चोरी करना जुर्म है, लेकिन ये तमाम काम हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे नहीं करेंगे, ये वकील का काम होता है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा लॉ पढ़ना है जज की नजर से कि लॉ का प्रोविजन इस बारे में क्या कहता है, अगर ऐसी एक्टिविटी हो जाती है तो। ठीक है, अब आ जाएं आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो वहां पे लिखा आ रहा होगा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान सी है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, लॉ की डेफिनेशन तो बहुत आसान सी आपकी समझ में आ गई होगी, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स कर दे, लॉ उसको कंपेल कर दे कि उसको आप पूरा करो, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, कि प्रॉमिसेस का जो सेट होता है वो एग्रीमेंट होता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल देखें, आप घर की कोई डीड करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं,
वो आपको घर का पोजीशन देते हैं, आप उन्हें पेमेंट करते हैं, फ्लैट वगैरह परचेज करते हैं, तो ये प्रॉमिस का सेट हो गया ना, एक प्रॉमिस आपने करा पैसे देने का, एक प्रॉमिस उन्होंने करा कि घर की डिलीवरी करने का, आपको पोजीशन देने का, ठीक है। तो ये बन गया एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट। अच्छा, अब कुछ चीजें चाहे तो आप लिख लें अपने पास। देखें, ये तो आसान सी डेफिनेशन है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता हो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्म करने जाएंगे, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्म करने जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज होगी वो होगी ऑफर। सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज दी जाती है तो वो दी जाती है ऑफर, ठीक है। कि सबसे पहले आप ऑफर देते हैं ना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अपनी कार सेल करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मैं एक एडवर्टीजमेंट लगाऊंगा ओएलएक्स वगैरह पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ऑफर। अब लाजमी सी बात है, जब आप ऑफर करेंगे तो कोई ना कोई सामने से उसको एक्सेप्ट भी करेगा। तो दूसरा स्टेप आपका होता है एक्सेप्टेंस। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा तो पहला स्टेप आपका ऑफर है, दूसरा स्टेप आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। अब अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इन दो को मैं मिलाता हूं तो ये बन जाता है आपका प्रॉमिस। ये दो एलिमेंट अगर आप मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं प्रॉमिस। तो अगर गौर करें तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये आपके बन गए प्रॉमिस। अच्छा, अब प्रॉमिस में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, एक तो हो गई ऑफर, एक हो गई एक्सेप्टेंस, एक और एलिमेंट आता है प्राइस का एलिमेंट। अच्छा, यहां पे हम उसे प्राइस नहीं कहेंगे, नॉर्मल जिंदगी में आप उसे प्राइस कह रहे होते हैं, यहां पे हम कहते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है, अभी के लिए सुन लें, वैसे तो इसका अलग से एक चैप्टर है और एक लीगल मैक्सिम भी है जिसमें हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ सुन लें कि कंसीडरेशन होगा विच फॉर व्हाट, कि आपको किस चीज के बदले क्या मिला, ठीक है। ये चीज कहलाएगी कंसीडरेशन, कि किस चीज के बदले आपको क्या चीज मिली। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कार सेल करने जाएंगे तो आप अगले को कार देंगे, ठीक है, और वो आपको क्या देगा, वो आपको पैसे देगा। तो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कहते हैं, कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाह रहा हूं, ये उन्होंने दी ऑफर। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, ये तो हो गई एक्सेप्टेंस, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्राइस भी तय होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने कहा था मैं आपको 10 लाख रुपए में अपनी कार सेल करना चाह रहा हूं, उन्होंने ये ऑफर दी थी। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, आप अपनी कार मुझे सेल आउट कर दें, ये हो गई एक्सेप्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर गौर करें तो ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहे हैं दरहकीकत 10 लाख रुपए, और इस प्रॉमिस के अंदर बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रही है कार। तो ए की कंसिडरेशन क्या हुई, 10 लाख रुपए, और बी की क्या हो गई, कार। तो कंसिडरेशन क्या है, कि किस चीज के बदले आप क्या दे रहे हैं, विच फॉर व्हाट, कि ये हो गई आपकी कंसिडरेशन। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो बन गया था इज इक्वल टू प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलती है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिली तो वो बन गया एग्रीमेंट। देखिए, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, अभी आप एग्रीमेंट में पहुंचे हैं, और लॉ ने हमें कहा हुआ है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी को अगर मैं शामिल कर लूं तो अब बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, के एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, यह आपका बना कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर डेफिनेशन पे दोबारा आए, लोगों ने मुख्तलिफ सवाल पूछे हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफ पाकिस्तान किसी ने पूछा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक का मैं बता चुका हूं। लेकिन जो काम का सवाल था वो नहीं पूछा, वो काम का सवाल ये था कि सर आप डेफिनेशन से आगे बढ़ गए, डेफिनेशन थी एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, के हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट है।
तो क्या ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जो लॉ से इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते? क्योंकि लॉ ये भी तो कह सकता था एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये डेफिनेशन बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन लॉ ने नहीं कहा। लॉ ने हमें कहा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है लॉ ने वहां पे एक हैंड दिया कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि लॉ से इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है लीगल एग्रीमेंट। देखिए अगर आप अपने दोस्त को बोले, दोस्त ने आपको ऑफर दी कि मेरे घर खाने की दावत पे आ जाओ, आपने कहा ठीक है जी मैं आ जाता हूं, आप नहीं जा सके, एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में कि ठीक है मैं आऊंगा लेकिन आप नहीं जा सके, क्या आपका दोस्त लॉ से इन्फोर्स करा जा सकता है आपको कि जनाब आए ये मेरे घर खाने की दावत पे नहीं आए, इनको सजा दें या कुछ इन पर फाइन वगैरह करें? नहीं करा सकता। ये वो एग्रीमेंट था जो लॉ से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है, ये वो एग्रीमेंट है जो लॉ से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा और कल को नहीं देता, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, एक प्रॉमिस भी बना, एग्रीमेंट भी बन गया, लेकिन बात वही है कि लॉ से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल एग्रीमेंट या लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि लीगल क्या होगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मली हम जब कंपनीज वगैरह में काम करते हैं तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट आता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसे आप कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट आसान अल्फाज में। नॉर्मली वो लोगों से परचेजिंग करते हैं, परचेज के एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर वो किसी से परचेज का एग्रीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं मुझे 100 bags ऑफ शुगर चाहिए, ठीक है, वो कह रहे हैं मुझे 100 bags ऑफ शुगर चाहिए, और अगर 100 bags ऑफ शुगर उन्हें मिलती नहीं मिलती, तो अब क्या है, अब वो कर सकते हैं, अब वो लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहे होंगे, अब वो इन्फोर्स करा सकते हैं क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है जी। सोशल एग्रीमेंट आपके इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। लीगल एग्रीमेंट सिर्फ आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्योंकि उनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब है हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा किसी टाइम में, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सर, सोशल एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगी, ये तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरा। नहीं सर, उतर गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कंसिडरेशन का हरगिज मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि प्राइज ही हो, कि पैसे की सूरत में ही मिल रही हो, ठीक है। आगे जब आप कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएंगी चीजें कि कुछ एक्ट ग्रेटिट्यूस होते हैं, कुछ एक्ट नॉन ग्रेटिट्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके डेफर करता हूं, हम अपने थर्ड चैप्टर में इस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन हर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन आ जाती है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई सवाल डेफिनेशन से लिंक अगर पूछना है तो वो टाइप कर दें, वरना फिर मैं आगे बढ़ें। देखिए इन्फोर्सिबिलिटी कैसे होगी, इन्फोर्सिबिलिटी किस तरह से होती है, आप कोर्ट में जाएंगे, केस सूट फाइल करेंगे। केस हम नहीं कहते, केस का वर्ड क्रिमिनल केसेस में कहते हैं, सिविल में हम सूट कहते हैं, ठीक है। सूट फाइल करेंगे, जब आप सूट फाइल करेंगे तो लॉ को इन्फोर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स ने आपको कहा था मैं आपको फ्लैट डिलीवर करूंगा, आपने कहीं फ्लैट बुकिंग कराई थी, आपने पेमेंट कर दी, उसने आपको फ्लैट नहीं दिया, आप क्या करेंगे, आप उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे। जब आप सूट फाइल करेंगे तो लॉ क्या करेगा, लॉ उसको इन्फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि इनको फ्लैट डिलीवर कर दो, यही होगा, ये चीज कहलाती है इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? देखें जी, जनरल स्टोर पर कोई चीज खरीद लेना कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, बिल्कुल ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये हम सेल ऑफ गुड एक्ट में डील करेंगे, ठीक है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि आप जनरल स्टोर पे, देखें रोजमर्रा जिंदगी में आप बहुत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उनको परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम अगर बात करें दोबारा उसी डेफिनेशन की, ठीक है, कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, दोनों बातें मैंने बताई नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा से बता देता हूं कि अगर डेफिनेशन की उसमें देखें तो आपके पास वो दोनों चीजें नजर आती हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब है कि डेफिनेशन को अगर और से देखा जाए तो उसमें दो चीजें, पहली चीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है जी, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब वही कि लीगल रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, एग्रीमेंट की बात करूं तो हर सेट ऑफ प्रॉमिस को एग्रीमेंट कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, पहली चीज तो प्लुरैलिटी होनी चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, कोई भी इंसान अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, जरूरी है कि दो लोगों तो ही एग्रीमेंट बनता है, अकेला बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑफर देगा तो दूसरा एक्सेप्टेंस करेगा, वरना हो ही नहीं सकता कि आप खुद ही ऑफर दें अपने आप को और खुद ही एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी। दूसरी बात कंसेंसस एडिडम, कि ये एक लीगल मैक्सिम है कि सेम थिंग इन सेम मैनर, ठीक है, कि जो चीज सामने वाला जिस अंदाज में बयान कर रहा हो उसी अंदाज में अगले को भी परसीव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये जो आपका कंसेंसस एड एडम है, इसके ऊपर भी आपका आगे एक चैप्टर है कि उसमें आप पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होता है कि दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल समझ आना चाहिए, तो ये आप वहां पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें हो गई कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास लीगल रिलेशन भी बनना चाहिए, ये तो वही बात हो गई। लीगल रिलेशन मतलब लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके दोस्त ने आपको बुलाया मेरे घर खाने की दावत पे, आ जाओ, आप नहीं जा सके, वो बोले अब मैं तुम्हें कोर्ट लेके चला जाऊंगा, तो ये नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जनाब ये जो है वो एक लीगल एग्रीमेंट नहीं था, एक सोशल एग्रीमेंट था। अब अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। देखें एसेंशियल एलिमेंट्स आपके पास जो लिखे हुए हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। सर सिंगल पर्सन खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप अपने आप को अगर ऑफर दें और खुद ही एक्सेप्ट कर लें तो ये तो आपके अंदर ही बात रह गई ना, अगले तक तो पहुंची ही नहीं है। आप कोर्ट में भी अगर जाएंगे, कोर्ट बोलेगा ठीक है आपने अपने आप से ऑफर दी थी, अपने आप को एक्सेप्ट किया था, पूरी नहीं कर सके, तो ठीक है आप अपने आप को खुद सजा दे दें, ठीक है। तो सिंगल बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल बंदा कैसे जा सकता है, अच्छा जी। अब आ जाए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। अब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो उसके अंदर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर इन 10 में से कोई कुछ कम होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लाजमी बात है कॉन्सिक्वेंसेज, इनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी उसकी, लॉ से कंपेल नहीं करा सकते आप उसे, ठीक है। तो ये 10 के 10 एलिमेंट्स किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत जरूरी है, सर। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कोई लॉस चीज को ढूंढने के बदले में अगर आप कुछ रिवॉर्ड रखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर इसमें भी गौर करें तो दो ही लोग हैं, लाजमी सी बात है अगर आपने कोई रिवॉर्ड रखा होगा तो आप उसको अनाउंस करेंगे, ठीक है, आप अपने आप से तो नहीं कर रहे ना, उसको भी आप अनाउंस करेंगे, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। सर वन प्लूरल नहीं होता, वन सिंगुलर होता है, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, वन प्लूरल नहीं होता, वन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखें, सवाल को कंप्लीट लिखें, कुछ लिख रहे हैं अदर सर, कुछ लिख रहे हैं इन एग्रीमेंट, तो इस तरह से तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको पूछ रहे हैं तो कंप्लीट पूछें, सर दो लोगों का स्पेसिफिक होना, दो कम से कम दो होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो से भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होने चाहिए, अकेला बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। एग्रीमेंट में एक चीज मैंने प्लुरैलिटी बताई थी, दूसरी चीज थी
कंसेंसस एड इडम सेम थिंग इन सेम सेंस, कि जो पहले बंदे की नजर में जो पहले शख्स की टर्म्स एंड कंडीशन है जहन में वही सेम अगले के होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी वैसे ही समझ रहा हो जैसे दूसरा कर समझ रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर से बता दें। देखें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि हर वो एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब यही हुआ कि हर एग्रीमेंट नहीं कराए जा सकते, कुछ एग्रीमेंट नहीं कराए जा सकते। देखिए सोशल एग्रीमेंट मैं बता चुका हूँ कि सोशल एग्रीमेंट नहीं कराए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने भाई से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हें वॉच गिफ्ट करूंगा अगर तुम फर्स्ट आए, और इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये सोशल एग्रीमेंट है, तो ये नहीं कराए जा सकते इन्फोर्स। लीगल एग्रीमेंट्स, आपने अपनी कंपनी से कोई चीज ऑर्डर करी, आपने दराज को ऑर्डर प्लेस किया, तो ये तमाम चीजें जो है ये इन्फोर्सिबिलिटी कराई जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। देखें हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब एक सवाल एक साहब पूछ रहे हैं, सर एग्रीमेंट दो, अगर सर एग्रीमेंट दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करें और उनमें से कोई एक इंतकाल कर जाए तो दूसरे बंदे के राइट्स लॉ पूरे करेगा? सर ये हम आगे देखेंगे, डेफर है, ये बिल्कुल पूरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होते, ये बिल्कुल पूरे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर किसी को जबरदस्ती का सवाल पूछना है ना, जैसे कि एक साहब पूछ रहे हैं सर एग्रीमेंट में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, अगर किसी को जबरदस्ती का सवाल पूछना हो तो फिर वो मुझसे टाइम पूछ लिएगा, क्योंकि ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीमेंट में कितने पर्सन हो सकते हैं। भाई जितने ज्यादा आपकी ऑब्लिगेशन होंगी, जितने ज्यादा लोगों से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, एग्रीमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है ना कि 100, 150, 300, ठीक है, आप जितने चाहे कर सकते हैं, ये बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके अंदर कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए? सर उसके अंदर 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। पहले अगर किसी के अंदर इन 10 में से कोई एक आध कम होता है तो वो दर हकीकत कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा लेकिन वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें से इन्फोर्सिबिलिटी चली जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो अब 10 पे आते हैं, तो सबसे पहला अगर आप देखें पहला एलिमेंट वही है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें एक ऑफर होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कि एक ऑफर होनी चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देखें एक बात और ध्यान में रखें, अभी तक हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछी, ठीक है, अभी तक सिर्फ आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब जैसे कि एक साहब सवाल पूछ रहे हैं, अब वो लिख रहे हैं कि गुडविल ऑफ कंपनी, ठीक है, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें ये बात करेंगे कि गुडविल, पहले तो देखेंगे कि गुडविल खुद क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि कंपनी की बैंकरप्टेसी क्या होती है और उस पर क्या चीज होगी। ठीक है, तो ये आगे की बातें, अभी आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, आपने लॉ नहीं पढ़ा, आपके 230 सेक्शंस हैं। जब 230 सेक्शंस आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो फिर हम ये केसेस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होते हैं। डेफिनेशन की बेस पे आप आगे की बात पूछ के ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये बकायदा एक केस है। ठीक है जी, तो पहला अगर एसेंशियल एलिमेंट्स देखें तो वो तो जनाब होता है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर thus resulting in an agreement. The adjective lawful implies that an offer and acceptor must satisfy the requirement of the contract and relation thereto. अच्छा, ये जो elements of essential contract हैं, ये 10 headings हैं। ये 10 headings आपके अगले 10 chapter हैं। Offer and acceptance इतनी सी बात नहीं है कि आपने सिर्फ एक को offer करी, अगले ने acceptance कर दी। नहीं, आपने lawful offer करनी है और अगले ने lawful acceptance भी करनी है। ठीक है? आप किसी को ये ड्रग डीलिंग वगैरह की ऑफर नहीं कर सकते, ये लॉफुल ऑफर नहीं है। ठीक है, तो आपने लॉफुल ऑफर करनी है और अगले ने लॉफुल एक्सेप्टेंस भी देनी है, जो लॉ से कंप्लाई करती हो, जिसकी लॉ से कंप्लायंस हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपने गौर करनी है। तो ये 10 हेडिंग्स दरहकीकत 10 चैप्टर है। ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझ लें अगले 10 चैप्टर का ओवरव्यू है।
ठीक है, आपने हर हेडिंग को इन डेप्थ जाके पढ़ना है। आप ऑफर पढ़ेंगे फिर ऑफर के अंदर भी बहुत सारी हेडिंग्स होंगी, फिर आप एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे फिर उसके अंदर भी होगी, मुख्तलिफ होंगी, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है, लीगल रूल्स क्या है, ये तमाम चीजें वहां पे होंगी। ठीक है, तो ये 10 हेडिंग जरा की 10 चैप्टर है अगले। तो अभी ओवरव्यू है एक तरह से कि सबसे पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि एक लॉफुल ऑफर होगी, एक लॉफुल एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, दूसरी बात इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वही बात कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कम से कम दो, उनके बीच में एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर लीगल रिलेशन नहीं होगा तो फिर वो लाजमी सी बात है वो एक सोशल रिलेशन बन जाएगा, और सोशल रिलेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता क्योंकि वो तो इनफोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, जरूरी है कि आपका लीगल रिलेशन होना चाहिए। अब ये एक सवाल है सर, किसी भी तरह की लिमिटेशंस इन द डील इज डन इन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हम आगे दूसरे चैप्टर में देखेंगे। सर अगर एक्सेप्टेंस ना हो ऑफर की तो फिर उस पर लॉ इन्फोर्स हो सकता है या नहीं? देखें ये एक बड़ी, अब इस सवाल का क्या जवाब, जब आपकी किसी ने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करा तो इसका मतलब है आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पा रहा, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पा रहा तो आप लॉ से किसको इन्फोर्स कराने जाएंगे? आप खुद तो जाएंगे नहीं कि मुझे ही सजा दे दे, मैंने ऑफर दे के गलती करी थी। ठीक है, दूसरा लीगल रिलेशन कि आपका एक लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई सोशल रिलेशन बन रहा हो। ठीक है, अगर सोशल रिलेशन बन रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। Consideration has been defined the price paid by one party for the promise of the other. वही बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि एक तीसरा एलिमेंट है कि consideration होनी चाहिए। Consideration क्या है? वो price है जो कि एक शख्स दूसरे शख्स को पे करता है। ठीक है, price से हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही हो यहाँ पे। ठीक है, consideration has been defined as the price by one party of the promise of the other. An agreement is legally enforced only when each of the parties to it gives something and gets something. देखें लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, कोई भी ऐसी कंसिडरेशन ना हो जिसको लॉ ने मना करा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी कार खरीदना चाह रहा हूं, बदले में मैं आपको बिटकॉइंस दूंगा। बिटकॉइंस लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गैर कानूनी है बिटकॉइन में ट्रेडिंग। आप बिटकॉइन में कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज में अलाव है, पाकिस्तानी लॉ पढ़ लें, पाकिस्तान के अंदर अलाव नहीं है, आप नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट था कंसिडरेशन के, जो भी कंसिडरेशन होगी वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन की लॉ में कोई जगह नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से कार वगैरह परचेस करें बिटकॉइंस में, तो बिटकॉइंस में आप कार वगैरह परचेस नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन में आ जाएगा। आपकी कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, आप जो करें। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा हुआ है, हस्बैंड वाइफ की मैरिज होती है, एक एग्रीमेंट होता है, लॉस है या कॉन्ट्रैक्ट है? ये आगे देखेंगे हम कि ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीज है, इसको देख लेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर, आगे के चैप्टर्स में। तो डेफर है ये बिटकॉइन सर, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर लिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइंस क्या होते हैं, ये डिजिटल करेंसी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास पेपर करेंसी है, नोट वगैरह, प्लास्टिक करेंसी, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, इसी तरह से डिजिटल करेंसी है बिटकॉइंस। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये बैंड है, कोई भी ऐसी करेंसी जो बैंड है आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी अब बैंड हो चुकी है इंटरनेशनली, तो आप अफगानिस्तान की करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। अगर आप किसी को बोले मैं अफगानिस्तानी करेंसी दूंगा 10,000, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन तो ऑफर नहीं कर रहे ना, आप नहीं पे कर रहे। ठीक है, तो कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। फिर आप चौथे पे आए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब ये कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इनकैपेबल ना हो वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के क्लॉज को पूरा करते हैं। ठीक है, जो भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैपेबल होने चाहिए।
कैपेबल किस तरह से होंगे, जिनको लॉ ने इनकैपेबल करार दिया है वो लोग ना, जैसे कि आप किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर कौन होता है? जिसकी 18 साल एज नहीं होती, ठीक है, जिसकी 18 साल एज नहीं होती वो माइनर होता है, वो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई भी अनसाउंड माइंड इनसेन पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई पागल से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी किस्म के, ठीक है। कोई भी ऐसा शख्स जो कॉन्विक्टेड हो, ऑलरेडी किसी जुर्म में सजा काट रहा हो, उससे भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको लॉ ने खुद मना कर दिया। या इसी तरह आपके जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, जो बाहर मुल्कों से आए हुए होते हैं, ठीक है, जो आपकी एम्बेसी वगैरह में होते हैं, इनके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने तौर पर। गवर्नमेंट लेवल पे जो हो रहे हैं वो एक अलग बात है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो सकता। प्राइवेटली आप कोई कॉन्ट्रैक्ट इनसे नहीं कर सकते, ठीक है। इनको लॉ ने इनकैपेबल करार दिया है, इनकैपेसिटी ऑफ पर्सन में आते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जो भी शख्स से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका कैपेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखा है फ्री कॉन्सेंट। देखें, आपका जो कॉन्सेंट है वो फ्री होना चाहिए, मतलब आपकी जो रजामंदी थी वो फ्री होनी चाहिए। कैसे? वो इन्फ्लुएंस ना हुई हुई, जैसे कि आपके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा अगर तुमने मुझे अपनी कार सेल नहीं करी तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूं। अब ये उन्होंने क्या करा, आपको एक धमकी दे दी। हो सकता है आप उनकी इस धमकी से इन्फ्लुएंस होके कार सेल करने के लिए आमादा हो जाए, ठीक है। ये चीज लॉ में अलाउ नहीं है। लॉ ने कहा है कि जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करें, सेम थिंग इन सेम सेंस, कंसेंसस एड एडम होना चाहिए, सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। दो लोगों के दरमियान जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उनकी विल को इन्फ्लुएंस ना किया गया, किसी तरह से फोर्स ना किया गया, अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट हो। जब भी आप देखें, अगर आपने देखा हो मूवीज वगैरह में भी, जब विल वगैरह पढ़ते हैं तो वो यहीं से शुरू करते हैं, मैं अपने पूरे होशो हवास में। उसके मतलब यही होते हैं कि भाई मेरी विल इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं, ठीक है। तो आपकी विल को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कितनी तरह से इन्फ्लुएंस हो सकती है, आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम छठे चैप्टर में कि किस किस तरह से विल आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। जैसे कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह भी कर सकता है, वो भी आपका कॉन्सेंट फ्री नहीं होता कि कुछ और दिखा के कुछ और सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। फिर आप आते हैं नेक्स्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, अच्छा कैपेसिटी एंड कैपेबल, रिपीट, थोड़ा समझ नहीं आया ये मैं बता देता हूं। देखो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पर्सन क्या है, कि लॉ ने बोला हुआ है कि भाई जो भी शख्स से आप कॉन्ट्रैक्ट करें उसका कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वो कैपेबल किस तरह से होगा, कि जिन चीजों को लॉ ने मना करा है वो उसके अंदर ना हो। जैसे कि किसी माइनर को लॉ ने मना कर दिया कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, माइनर के साथ लॉ ने मना कर दिया आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आप इनकैपेबल बंदे से कर रहे हैं, आप वैलिड इनिशियल एलिमेंट्स में नहीं लाए करेंगे, ठीक है। किसी पागल को मना करा हुआ है लॉ ने, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपकी इनकैपेसिटी में आती हैं। तो जो भी शख्स हो, जरूरी है कि वो मेजर हो, 18 साल से बड़ा हो, ठीक है, होशो हवास में रहता हो अपने, तो इस तरह की चीजें ना हो उसके होनी चाहिए उसके अंदर जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये होता है बेसिकली कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा फ्री कॉन्सेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, कि जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपकी जो विल है वो इन्फ्लुएंस ना हुई भी हो, ठीक है, कि जो भी आपकी विल है ठीक है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, कि जो भी आपकी विल है वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे गन पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट ना कराया, जैसे होता है ना मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल तो आपका लेके चले जाते हैं, बदले में कुछ देते भी नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, जबरदस्ती लेते हैं, आप अपनी मर्जी से थोड़ी देते हैं, वो आपकी विल को इन्फ्लुएंस किया हुआ होता है, ठीक है, कि आपकी जो विल है वो इन्फ्लुएंस ना हुई भी। ये होता है फ्री कॉन्सेंट। किसी ने आपको धमकी दे दी कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने कार सेल आउट नहीं करी, ठीक है, या तुमने अपनी वॉच सेल आउट नहीं करी, तो ये चीज आपकी होती है फ्री कॉन्सेंट नहीं है, आपके कॉन्सेंट को इन्फ्लुएंस कर दिया गया। तो जरूरी है आपका कॉन्सेंट फ्री हो। अच्छा, ऑनलाइन प्रोडक्ट की पिक्स और होती हैं, ये हम सेल ऑफ गुड एक्ट में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट बता दिया मैंने कौन सा था, फ्री कॉन्सेंट ही था, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन हो गया।
अच्छा जी, व्हाट अबाउट ड्रग एडिक्टिव, ही इज कैपेबल और नॉट? जी नहीं सर, जिस वक्त वो एडिक्टेड है, एडिक्शन होना एक अलग चीज है, लेकिन जिस वक्त वो नशे की हालत में, उस वक्त वो कैपेबल नहीं है। नॉर्मल तो ड्रग एडिक्टेड सही है। ये फोर्थ और फिफ्थ हेडिंग्स में आपको व्हाट्सएप करूंगा तो आपको मिल जाएंगी ये। अच्छा सर, अगर फ्री कंसेंट में अगर कोई आपको फोर्स करे और इन केस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो लॉ की नजर में उसे कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे? सर ये अभी मैं, इसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो हम देखेंगे क्या होता है, तो उसमें हम देख लेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। या आगे की बात है, डेफर रिक्वेस्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस द प्रॉमिस, बिल्कुल प्रॉमिस होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हमारा हो गया। हाँ, लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट करें उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना किसी को घर रेंट आउट कर रहा हूं, अगर किसी के रहने के लिए कर रहा हूं, ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है कि किराएदार रख लिए मैंने, ये तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप खुद बताएं, आप किसी को इलीगल आर्म्स की स्टोरेज के लिए घर दे दें, असला रखने के लिए गैर कानूनी, या किसी भी गैर कानूनी काम के लिए दे दें, फॉर एग्जाम्पल कैसीनो बना लें, वहां पे आप अपने घर के अंदर आपने रेंट पे दे दिया और कैसीनो बना लिया, ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, दरहकीकत पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या था। जैसे अगर पुराने में देखें तो कार की सेलिंग, कार बेचना, कार पर्पस था, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरेज, लेकिन आपने स्टोरेज क्या कर रहे हैं, इलीगल चीज। तो जब आप इलीगल चीज को स्टोरेज करेंगे, इलीगल चीज को आप स्टोरेज कर रहे हैं, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप अपना वेयर हाउस किराए पे दे रहे हैं लेकिन किसी गलत काम के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आपने बोला भाई यहाँ पे ड्रग्स रख लो, ठीक है, जो चीजें लॉ ने मना करी हुई है, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, प्रोफेशनल असैसिन जो होते हैं टारगेट किलर्स, कि फला बंदे को मार दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपके ऑब्जेक्ट का भी लॉफुल होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा जी, फिर एक सवाल है सर, इफ एनी पर्सन टेलिंग बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू साइन एंड देन इन द एंड सेज नाउ इट्स योर चॉइस, सो विल इट कंसीडर कंसेंसस लॉ? जब उसने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए, देखें लॉ उसको तब कंसीडर करेगा अगर आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में थे। आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, उसने आपकी बिल्कुल इन्फ्लुएंस भी नहीं किया, तो बिल्कुल लॉ उसको कंसीडर करेगा अगर आप एग्री करते हैं, ठीक है। सातवा है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल कैन बी रिटन, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है भाई, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी बन सकते हैं, ओरल भी बन सकते हैं, वो अलग बात है। रिटन को प्रूफ करना आसान है, ओरल को प्रूफ करना मुश्किल है। हम इस पे नहीं जाएंगे कि ओरल को प्रूफ कैसे करेंगे, लॉ ने अलाउ किया हुआ, क्योंकि ये लॉ आपका बहुत पुराना है, 18th सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, जब इसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए गए, उस दौर में लोग ईमानदार होते थे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किए जाते थे। आज के दौर में लोग बदल चुके हैं, उनकी नेचर चेंज हो चुकी है, सोसाइटी आपकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आज के दौर में राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करना आसान है, लेकिन उस दौर में ओरल प्रूफ किए जा सकते होंगे, इसलिए लॉ ने अलाउ करा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल कैन बी रिटन, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी कर सकते हैं रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना जरूरी होता है। वो कौन से केसेस थे वो हम देख लेंगे जब ये चैप्टर में जाएंगे, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटन दोनों हो सकते हैं। एट हेडिंग इज सर्टेनिटी। ये जो अभी साहब ने एक टर्म्स एंड कंडीशन से सवाल पूछा था, ये उसी से लिंक हेडिंग है, उनको बेहतर आंसर अब मिल जाएगा। सर्टेनिटी क्या होती है, देखिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो कॉन्ट्रैक्ट की, वो सर्टेन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कंपनी में प्रोक्योरमेंट करी, आपने कहा जी मुझे जो है वो 100 बॉटल्स ऑफ ऑयल डिलीवर कर दें, आपने लेटर भेज दिया, अगले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, सारी चीजें हो गई, ठीक है जी। अब इसमें अगर देखें तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ऑयल भेज दें, कौन सा ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कुकिंग ऑयल, कौन सा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कौन सा चाहिए आप, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी है। तो लॉ कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी की लॉ में कोई जगह नहीं है। जहां पे भी एम्बिग्यूटी आ जाती है वहां लॉ में कोई जगह नहीं है। जैसे कि अगर आप एक शॉप पे जाएं, आप उससे बोलेंगे मुझे ऑयल दे दो, वो आपको दे रहा है सनफ्लावर ऑयल, आप जहन में सोचे हुए थे ऑलिव ऑयल, ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आ गई आप दोनों के बीच में। तो लॉ में कंडीशंस बड़ी सर्टेन होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे से एक ही बात पे एग्री हो रहे हो।
अगर आपने ऑयल परचेज करना है आपने उसको पूरी बात कहनी है कि मुझे ऑलिव ऑयल ही चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑयल का वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि अगर राइस पे हम बात करें, आप राइस पे आएंगे तो वो भी डिफरेंट काइंड्स के आते हैं, सैला भी आता है, बासमती भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप सिर्फ राइस लिख देंगे तो भाई कौन सा राइस, कौन सा राइस, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए। देखिए राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनका रिटन होना जरूरी होता है, वो कौन से होते हैं वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना जरूरी होता है, ठीक है। सर्टेनिटी क्लियर है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करें ये भी जरूरी है कि आप उस वक्त देख लें कि वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई कहे, जैसे कि नॉर्मल मैजिशियंस कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं कि मैं आपको खजाना ला के दे दूंगा, मैं आपको ये करके दे दूंगा, ठीक है, या मैजिशियंस जो भी कर रहे होते हैं, या आपको कोई कहे कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवलिंग कर रनिंग कर सकता हूँ अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दें, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, आप नहीं कर सकते, ये काम नामुमकिन है दुनिया में, ठीक है। कोई बोले मैं मुर्दे में जान डाल सकता हूं अगर तुम मुझे पैसे दे, तो ये काम भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आप मुझे पेमेंट करें, आप मैं माइक्रोसॉफ्ट परचेज करके दिखा दूंगा, तो आप मेरी जब बैकग्राउंड देखेंगे आप बोलेंगे मैं माइक्रोसॉफ्ट परचेज अभी नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इम्पॉसिबिलिटी पे आ जाती हैं। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपने ये भी देखना है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल भी है कि नहीं है। अच्छा सर, ये कोई मेरे ख्याल से आगे के स्टूडेंट बैठे हुए हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिखा है वॉइड एग्रीमेंट्स, ये अब तक सर जब मैंने नाम जिक्र ही नहीं करा तो इसका मैं आंसर नहीं कर रहा, ठीक है सर। नेक्स्ट 9 हेडिंग शो नहीं हो रही, हो जाएगी थोड़ी देर में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी, मैं उसको शो करा देता हूँ। ठीक है सर, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस उसकी। अच्छा 10वीं हेडिंग है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसको लॉ ने खुद डिक्लेयर किया हुआ हो कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लोगों ने लॉ ने डिक्लेयर किए हुए कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि आप किसी को शादी से रोक नहीं सकते, शादी से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ वॉइड है। आप किसी को ट्रेड से भी नहीं रोक सकते, तिजारत से, वो भी लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वॉइड है, ठीक है। वॉइड का मतलब इनवैलिड है, इस वक्त के लिए सुन लें, इनवैलिड, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिसको इन्फोर्स नहीं करा सकते आप, इस वक्त के लिए इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ले लो। कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप ना करें जिसको लॉ ने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को शादी से नहीं रोक सकते आप, किसी को तिजारत से नहीं रोक सकते, इस तरह के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आगे 10 चैप्टर में आप देखेंगे लॉ ने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने खुद करने का मना कर दिया। जैसे वहां पे इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज में 4th हेडिंग में लॉ ने मना करा था ना कि इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मत करना, इसी तरह लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी बोले हुए कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मत करना वरना हमारी तरफ से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं होगी, ठीक है। ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ जाना जिसको हमने खुद मना किया हुआ है, हमने गैर कानूनी करार दिया हुआ। अच्छा क्वेश्चन है सर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो बट बहुत डिफिकल्ट हो तो वो किस तरह लिखेंगे हम? सर ये लिखेंगे आप नहीं, लिखते लॉयर हैं, आपने सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना जज की नजर से पढ़ना है, जज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लिखता नहीं है, हमेशा उसके बाद लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आता है। सर किसी ने आपको किसी चीज की ऑफर की लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो ये भी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट का पड़ता है, पार्ट है। देखिए जब किसी ने किसी को आपको ऑफर की तो आप एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे जब आपके पास पैसे नहीं है? आपको पता है ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है कि डिमांड क्या होती है, जब विलिंगनेस टू पे हो और एबिलिटी टू पे हो, ठीक है, दोनों चीजों का अनदर ही, आपके पास विलिंग थी, एबिलिटी नहीं थी, तो आपके पास जब पैसे ही नहीं थे जेब में तो आप एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे? जब आप एक्सेप्टेंस ही नहीं कर सकते तो कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ, तो पॉसिबल इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है। रिपीट कर दें 10th,
10th heading is not expressly declared to be void के law ने कुछ contract को declare किया हुआ है कि ये contract void contract होते हैं, तो ये contract आप नहीं कर सकते, ठीक है। law ने कुछ contract को खुद बता दिया, जैसे कि किसी को शादी से रोकने का contract नहीं कर सकते कि आप मुझे बोले मैं फला शख्स से शादी ना करूं, या कोई किसी दूसरे को बोले। किसी को बिजनेस से रोकने का नहीं कर सकते, आप मुझे बोले यहाँ शॉप ओपन नहीं करो, या इसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहे आप मिस्टर सी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, मैं आपको रोक रहा हूं, तो ये एक मना कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ड्रग डीलर्स कॉन्ट्रैक्ट आर वाइड, नहीं सर वाइड नहीं है, ये इलीगल है सर। वाइड दोबारा समझाने, वाइड का मतलब इनवैलिड, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिनको लॉ ने मना कर दिया है, ठीक है। बाकी हम वाइड को आगे देख लेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अभी के लिए वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सर मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा ये पूछना था, अब ये कौन सा सवाल था ये मुझे याद नहीं है। लास्ट हेडिंग वही है भाई, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने मना करे हुए कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट आप ना करें। कौन से कॉन्ट्रैक्ट ने, 10 चैप्टर में देख लेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने मना करे हुए कि ये वाले आप नहीं कर सकते। सर कोई मैरिज बिजनेस डीलिंग की बेस पर कॉन्ट्रैक्ट करा जाए तो, ठीक है, शादी करने का मना नहीं करा लॉ ने, शादी से रोकने का मना करा हुआ, ठीक है। शादी करने का वादा आप किसी से भी कर सकते हैं। 10th हेडिंग शो नहीं हो रही, एक मिनट, ठीक है। अच्छा जी, 9th एंड 10th बोथ हेडिंग रिपीट कर दे, 10 में कर चुका हूं, 9 दोबारा कर देता हूं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसको परफॉर्म करना भी मुमकिन होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले मैं 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवलिंग रनिंग कर सकता हूँ, ये नामुमकिन कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं कर सकता कोई आपसे, ठीक है। वो कहे मुझे आप 10 लाख रुपए दें, मैं 100 किलोमीटर पर आवर से भागूंगा, वो नहीं भाग सकता। तो जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है आपको उसी पता है, उसी वक्त पता है कि इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वॉइड एंड इलीगल में फर्क बता दें, डेफर है आगे है, वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स का डिफरेंट, तो वो हम आगे देखेंगे, बुक में है बकायदा। What is void word? ठीक है, 10th heading show नहीं हो रही। Void word सर अभी के लिए invalid है, invalid contract है, जिनको law ने खुद मना कर दिया। इसके अलावा किसी को कोई questions पूछने? ठीक है, अच्छा इसको मैं अभी यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आज आपका first day है, अभी मैं ज्यादा आगे नहीं पढ़ाऊंगा वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, यहीं पे मैं क्लास ऑफ करूंगा, लेकिन अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, ठीक है। और कल इसको अभी आप अगर शाम में 10-15 मिनट पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं पढ़ेंगे और आप सोचेंगे मैं आखिर के दिनों में पढ़ लूंगा, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा पढ़ने में जितना पहली दफा समझने में लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अभी पढ़ लें एक दफा दोबारा। सर 4 और 5 एक्सप्लेन कर दें। देखिए, 4 था इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है आप उस शख्स से करें जो कि लॉ ने कहा हो कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे कि लॉ ने मना कराया कि भाई आप जो है वो पागल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर से, तो वो इनकैपेबल है, ठीक है। तो जरूरी है कि जिस शख्स से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कैपेबल होना चाहिए। 5वीं हेडिंग थी कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट कौन सा है, कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपकी विल को इन्फ्लुएंस ना किया गया, आपका कॉन्सेंट हमेशा फ्री होना चाहिए, आपकी विल इन्फ्लुएंस ना की गई हो। जैसे कि कोई गन पॉइंट में आपसे कॉन्ट्रैक्ट ना कराए, कोई धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट ना कराए। सर बुक है एमसी कुच्चर, ठीक है, आपके रिकमेंडेड बुक्स है, आपकी कोर्स आउटलाइन के नीचे रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, तो वहां पे एमसी कुच्चर की किताब है, ये वही बुक है। लास्ट हेडिंग में काफी बार बता चुका हूं, दोबारा सुन लें आप, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ ने मना करा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट आप ना करें। कुछ कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है जो लॉ ने खुद मना करी हुई कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ना करें, तो वो आप नहीं करें। कल की क्लास हुई नहीं थी सर, आज पहली क्लास है इसलिए पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई भी है, ठीक है जी। यहीं पे इसको मैं एंड कर देता हूं। सर देखें, मैं जो बुक रिकमेंड करी एमसी कुच्चल वो किताब है, आप वही परचेज करें। अगर किसी को उसके अलावा दूसरी किताब परचेज करनी है तो
मैंने जो बुक रिकमेंड करी है मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको, बाकी अगर आप कोई दूसरी बुक रिकमेंड करते हैं तो लाजमी बात है जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो आप लोग खुद देख लीजिएगा उस चीज को ना। तो यहीं पे मैं इसको एंड कर देता हूँ सेशन को, और कल इसको जरा पढ़ के आइएगा, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़।